geometrical meaning of the zeros of polynomials. Geometrical meaning क्या होती है polynomials के zeros की, जिसे हम किसी equation को solve करेंगे उनमें zeros यानी कि values मिलती जाती हैं, ठीक है? तो उसको हम किसी graph पे represent करते हैं, वही यहाँ पे describe किया गया है, ठीक है? तो इसमें मान लीजिए कि एक लिखा हुआ है, we solve any linear equation or linear polynomials in two variables, we will get some values and it is represented on the graph in any shape, यानी किसी भी shape में हमें मिल सकता है। यहाँ पे एक example देख लेते हैं कि है y cut to x square plus 2x minus 3, ये values दी गई हैं, इसमें को हमें solve करना है। ये एक single equation है, ठीक है? ये हमने एक table बना लिया इसके लिए, इसमें दो variable x और y है, x इधर लिखा, y यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम x की values रख रहे हैं, यानी 1/1 करके, जब हम minus 3 रखेंगे, तो हमें 0 मिलेगा y, ठीक है? जब हम x की वैल्यू -2 रखेंगे तो हमें y -3 मिलेगा। इसी तरीके से रखते जाएंगे और ये वैल्यूज मिलेंगी। इस वैल्यू को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो हमें यू शेप का एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है? तो जो ग्राफ यू शेप का होता है उसको पैराबोला बोला जाता है, ये पैराबोला होता है, ठीक है? और ये पैराबोला दो तरीके का होता है, या तो सीधा होता है ओपन यानी अपवर्ड में ओपन होता है, या फिर ये डाउनवर्ड में ओपन होता ही है, यानी एक हम कह सकते हैं कि एक जो है इस तरीके का यू बन सकता है या फिर इस तरीके का बन सकता है, दो तरीके के बन सकते हैं और एक्स एक्सिस पे ही बनेगा ये, तब ये पैराबोला होता है, ठीक है? आप देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आपको पैराबोला सिर्फ समझना है क्या होता है, इसके बाद में आपको मतलब है नंबर ऑफ सॉल्यूशन से। ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे कट करेगा उतना ही सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का, ठीक है? तो ये लिखा हुआ है इसमें, द पैराबोला कट्स द एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स दैट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है? तो ये आपको बेसिक बता दिया गया है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम अगली एक्सरसाइज कराएंगे, इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी तो उसमें आप देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके, थैंक यू।